हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज क्लास में हम लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आज आपके लिए आया हूँ 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में या आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर या मोटर है या जनरेटर है या वोल्टमीटर। सही ऑप्शन बताना क्या होगा। क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने का काम करता है एमीटर। याद रखिएगा एमीटर, सर आप लोग पढ़े भी होंगे। और परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के चालक तार में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का काम करेगा वोल्टमीटर, है ना। विभवांतर को मापने का काम करेगा कौन, वोल्टमीटर, जिसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाता है। लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो यंत्र है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर, है ना, जो बहुत ही क्षणिक धारा को मापता है, बहुत ही कम एम्पेयर की धारा को मापने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। खासकर विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना पर आधारित होता है क्षणिक धारा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, विद्युत विभवांतर का दूसरा में है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो विभवांतर का अर्थ ये होगा कि वोल्ट मीटर, है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का काम करेगा वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, अजय मापता है किस में, वोल्ट में मापता है। अलेसांड्रा वोल्ट के नाम पर रखा गया है इसका एसआई मात्रक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आ जाओ। तीसरा में लिखा हुआ, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या श्रेणी और समांतर दोनों में या इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन बताना है। अब आप लोग पढ़े होंगे कि जब श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध लगाते हैं, सपोज हमने दो प्रतिरोध लगाया R1 और R2, तो इसका जो कम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 डायरेक्ट होगा। अगर उसी को हम समांतर क्रम में लगाते हैं प्रतिरोध को, R1 यहाँ दिया हुआ R2, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R equivalent = 1/R1 + 1/R2। चूँकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए यहाँ कम हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का जो सही ऑप्शन होगा वो बढ़ता है, वो किसमें, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा में लिखा हुआ है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या 760 वाट या 780 वाट या 550 वाट। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 746 वाट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। लिखा हुआ है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, शक्ति का या आवेश का या ऊर्जा का या इनमें कोई नहीं। एम्पियर घंटा मतलब किलोवाट घंटा एक होता है एम्पियर घंटा यहाँ दे रखा है। अगर हम शक्ति का फार्मूला पढ़ते, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो उसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिए पावर ये हो जाएगा, तो एम्पियर घंटा पावर का ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। आवेश का तो वैसे कूलम होता है, एम्पियर घंटा जो होगा वो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होगा, है ना। एक होता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा, यहाँ पे एम्पियर घंटा भी हो जाएगा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाओ, कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, जूल पर सेकंड या जूल सेकंड या सेकंड पर जूल, ये इन तीनों में सही ऑप्शन क्या होगा। तो वाट के लिए पावर के लिए फार्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब जूल एनर्जी का होता है, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ना। वोल्ट मीटर को एक परिपथ है, वोल्ट मीटर क्या करता है कि विभवांतर को मापने का काम करेगा, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का काम करेगा कौन, वोल्ट मीटर, इसलिए वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर आठ में आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में
किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सही ऑप्शन क्या होगा बताना है, तांबे का या लोहे का या चांदी का या नाइक्रोम का, सही ऑप्शन बताना क्या होगा। देखो कुंडली उस पदार्थ का बनाते हैं जिसका प्रतिरोधकता अधिक हो, जिसका गलनांक अधिक हो, उसी का कुंडली बनाते हैं ताकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करे। चालक तार से धारा प्रवाह करते हैं तो वो गर्म होता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा तो वो प्रतिरोधकता और उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। अब वो किसी धातु का नहीं होता बल्कि मिश्र धातु का होता है, नाइक्रोम का, जो मिश्र धातु नाइक्रोम है जिसमें निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन ये सब मिले होते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोधकता की बात हो रही है, रेजिस्टिविटी जो किस पर निर्भर करेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, एक्चुअली ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी, चालक की प्रकृति भी प्रतिरोधकता निर्भर करता है। चालक किस प्रकार का, कुचालक है या सुचालक है, कुचालक पदार्थ का क्या होता है प्रतिरोधकता अधिक होता है, सुचालक का कम होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो तार मोटा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसका ज़्यादा होता है, उसका प्रतिरोधकता कम हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता बढ़ता है, तो सही ऑप्शन होगा। वैसे तीनों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन डी में ये होना चाहिए, इनमें सभी, ऑप्शन डी में इनमें सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या लिखा हुआ, विद्युत शक्ति का एसआई मात्र क्या होगा, वाट या वाट घंटा या यूनिट या ओम। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्र क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा का एसआई मात्र। अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्र क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन कैलोरी होगा या जूल होगा या ताप होगा या इनमें कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्र होगा वो होगा आपका क्या, जूल। ताप टेम्परेचर का होता है, कैलोरी ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, ठीक है, बल्कि इसका जो ऊर्जा का जो एक्चुअल में मात्रक होता है वो जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, लिखा हुआ निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का या हार्बो का या नाइट्रो का या हाइड्रो का। तो जल जो होता है वो H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं जिसको हम हाइड्रो के नाम से जानते हैं, हाइड्रो का अर्थ जल हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो से संबंधित हाइड्रोजन ऑक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या इनमें कोई नहीं, सही ऑप्शन बताना क्या होगा। ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, तो R के लिए एक रिलेशन बता रहा हूँ, R = R0 × 1 α Δt। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशियंट है, डेल्टा टी कह सकते नहीं, आर नॉट क्या है आपका, ये जो टेम्परेचर बढ़ने पर जो प्रतिरोध होगा चेंज होगा वो आर नॉट, टेम्परेचर कोफिशियंट डेल्टा टी हो गया आपका क्या, कह सकते हैं डेल्टा टी हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, चालक ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि आर जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती है, एक दूसरे के समानुपाती, इस रिलेशन से समानुपाती का साइन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इजी क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऑब्वियसली विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर, ठीक है। वोल्ट होता है विभवांतर का, कूलम होता है आवेश का, वाट होता है पावर का। तो 15 में आते हैं, 15 में क्या होगा, एक विद्युत बल्ब पे 220 वोल्ट, वोल्ट लिखा होता है, 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, एक बल्ब के लिए जो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट पावर दिया हुआ आपका 100 वाट, हमें निकालना है क्या प्रतिरोध क्या होगा, आर निकालना है, ठीक है। तो आर जो निकालना है, तो यहाँ पावर दिया हुआ है या वोल्ट दिया हुआ है, ये पावर है ये वोल्ट, निकालना आर। तो पी के लिए फार्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, V × I, एक फार्मूला ये होता है। अगर हम एक इस रिलेशन से निकालेंगे तो आई निकलेगा, वैसे भी फिर उसके बाद ओम्स लॉ से आई निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला बता रहा हूँ पी के लिए, P = होता है V² / R, इस रिलेशन से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। पी का मान दिया हुआ 100 वाट, वी दिया हुआ है 220 का स्क्वायर बट्टे में आर, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो पावर = होता है V² / R, मतलब 100 वाट = 220 गुने में 220 बट्टे में आर, V² / R होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से 0, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल,
उसके बाद यहाँ से आर निकालो, 22 को 22 से गुना करो, वो 484, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, 484 ओम। तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध 484 ओम होगा। देखते हो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट क्या कहलाएगा, एक जूल पर सेकंड, या एक जूल पर कूलम, या एक जूल पर एम्पियर, या एक, इनमें कोई नहीं होगा। तो एक वोल्ट वी बराबर क्या होता है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्ट कहलाएगा। तो अगर हम एक जूल एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल है, तो वो एक वोल्ट कहलाएगा। तो जूल पर सेकंड, पर कूलम होगा, जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, सॉरी 17 इसमें मिटा हुआ है, तो 18 में आते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी बताया था कि वे एमीटर को हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, तो वी आई, वी बट्टे आई होता है, वी बराबर आई आर होगा, तो आर बराबर वी बट्टे आई हो जाएगा, ये सही रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, क्या लिखा हुआ, धातुएं धारावाहक होते हैं, क्यों होते हैं धारावाहक, मतलब इससे करंट पास क्यों होता है, क्योंकि उस धातु के अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धारावाहक होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन लाया, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे।